बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। और आज ईद का तीसरा दिन है और आज की शाम चूँकि ईद की अहतमाम हो जाएगा। अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में फैमिली गेट टुगेदर करेंगे। और ये मैंने पहले वीडियो इस गांव की डाली थी, ये वही गांव बांडी सीणा के नाम से जो हरिपुर हज़ारा इसका मेन गांव है और बड़ा खूबसूरत गांव है। तो अभी हमने यहाँ फातिहा खानी की है, अपने अबावा अजदाद हैं इनकी कब्रों पे। तो हमारे इस गांव के अंदर जो मेन चश्मे हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम कि जो हमारे फैमिली गेट टुगेदर है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हस्ब मामूल इस इलाके की ब्यूटी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। सदियां पहले से है और चूँकि ये इस गांव पे जो बुज़ुर्ग हैं तो ये कहा जाता है कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के बरगजीदा और ओलिया के अंदर इनका शुमार होता है और बरगजीदा बंदे हैं अल्लाह ताला के। तो हमने यहाँ पे फातिहा की है और इनकी फयूज़ात से हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। और आज मैंने सोचा कि आपको ये चूँकि तारीख का एक हिस्सा है तो ये बुज़ुर्ग अल्लाह वाले हैं, आप भी देखें ज़्यारत। हम औलिया के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो जिसमें तमाम मज़ारात को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वो लाएंगे और उसके अंदर भी इनकी तारीख को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चश्मा है, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये अभी जो हमने मज़ार पे जहाँ फातिहा की थी इस पानी का ताल्लुक भी उसी मज़ार के साथ है। ये उसी की बिल्कुल बेस पे यहाँ चश्मा, यहाँ से चश्मे से पानी निकल रहा है। और गांव वालों का कहना है कि हम कई सौ साल हो गए हैं इस चश्मे को देख रहे हैं, ऐसे ही पानी बह रहा है। और यहाँ से देखने में तो ये चश्मे पानी बज़ाहिर तो ये इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन ये पानी इस पूरे गांव के अंदर सर्कुलेट कर रहा है और लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। तो ये पानी पीने के लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है बल्कि ये रूहानियत, ये आगे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है। तो ये बुज़ुर्गों की बदौलत अल्लाह ताला ने यहाँ से चश्मा जारी किया है और इंतहा खूबसूरत और शफाफ पानी है और पानी पीने में भी ठंडा है, जायका भी ठीक है, मीठा पानी है, मीठे पानी का चश्मा है ये।
या मुख्तलिफ जगहों से पानी निकल रहा है। अच्छा, इस चश्मे की मैं एक खासियत बता दूँ कि इस चश्मे का लिंक और किसी जगह से नहीं है, ये जस्ट यही जगह है। या तीन पॉइंट्स हैं जहाँ से पानी निकल रहा है, एक ये है और एक ये जो कुएं की सूरत में है और एक और पीछे जा रहा है। ये तीन पॉइंट है यहाँ से पानी मुसलसल बह रहा है। और अभी आपको दिखाते हैं कि आगे ऊपर भी एक ज़ियारत है, इन्हीं बुज़ुर्गों के साथ रिलेट करती हुई एक और शख्सियत है। आइए चलते हैं, देखते हैं वहाँ। अच्छा, नवाज साहब हैं यहाँ के, लोकल हैं, तो हम इनसे पूछते हैं। यहाँ पे दोनों आमने सामने दो ज़ियारात हैं, पीर साहबा के नाम से ये मशहूर हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी तारीख, मुख्तसर सी तारीख इनसे पूछते हैं। बता सकते हैं कि आप ये कौन हैं इनकी? जी, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो इनके बारे में बताते हैं कि इनका जो रिकॉर्ड है ना, 1875 का जो रिकॉर्ड है उसमें ये मौजूद है। 1875 में ठीक हो गया, उससे पहले के कागजात जो है ना वो नहीं मिले हैं ना महकमे में। बिल्कुल ठीक हो गया। जो 1875 की जो तारीख है उसमें ये पीर साहबा के नाम से ये तीन है, एक बहन है, दो भाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये एक बहन है, ये बहन है, अच्छा दो है, दो दफन है यहाँ पे, और बहन भाई और वो उधर भी भाई हैं, ठीक है, तीन बहन भाई हैं, तीन बहन। अच्छा, इनकी करामात के बारे में, चूँकि औलिया अल्लाह हैं, चूँकि इस गाँव के हज़ारों की तादाद में बाशिंदे हैं जो इनके साथ अकीदत रखते हैं और उनमें से आती हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि क्या इनकी? जी, ये यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से जो भी मुराद किसी ने मांगी है, अल्लाह पाक ने इनके सबके कबूल फरमा ली। और ख़ास तौर का जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, ये नज़र चली गई है, ठीक है, वहाँ इनकी करमात से नज़र उनको मिली, बहुत सारे जो लोग हैं ना इससे सरचाब हुए। देखिए जी व्यूअर्स, ये बता जो रहे हैं पानी है ना, ये चश्मा है जो मस्जिद के पीछे, बिल्कुल अभी हमने कवर किया है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पानी है, यानी ये बहुत से लोग इसको ले कर जाते हैं ये गुर्दे और मैदे के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त पानी है। अगर किसी बंदे को खारिश हो जाए तो ये इस पानी से जो ये मिट्टी पड़ी है ना, ये जिस्म में मल के नहाते हैं और अल्लाह पाक शफा देते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि आपने सुना होगा, भाई साहब ने हमें इनकी डिटेल बताई है, तो ये सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी है जो इन बुज़ुर्गों के साथ, इन औलिया इकराम के साथ अल्लाह ताला ने मंसूब की हुई है। सबसे पहले तो ये पानी जो चश्मा है ये शफायाब है, इसमें गुर्दों के मर्ज़ के लिए, और फिर उसके बाद जो एक अजीब सी ख़ारिश या जिसे हम आम अल्फाज में एलर्जी कह सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा मुफीद पानी है। और दूसरा ये कि यहाँ जो मिट्टी है उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है। तो ये तीन बहन भाई हैं, ये तीन कबूल हैं यहाँ पे और तीनों बहन भाई हैं। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ लोगों ने यहाँ अपनी अपनी जो मन्नतें थी तो उसके लिए यहाँ कपड़े बांधे हुए हैं, तो जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो ये लोग खोल देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं मुसलसल लोगों ने अपनी अपनी मुराद जो अल्लाह के हुजूर दुआएँ की हैं, तो वो मन्नतें इन्होंने मांगी हैं ताकि वो उनकी मुराद पूरी।